इसलिए मैं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूं बल्कि आपके सहयोग की भी दरकार है। देश की आजादी की लड़ाई ऐसे नहीं कि गणेश सिंह के विद्यार्थी ने जब मोर्चा संभाला तब मिली 10 बजे क्राइम ब्रांच ने कहा था कि जहां भी हो, कल तक तो बाइट वाइट दे रहे थे, बड़ी अच्छी बाइट आ रही थी, उनके सामने हाजिर हूँ। क्या इतफाक है कि भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के दरवाजे पे चस्पा किया है पुलिस ने, समन ये 10 बजे। पिछले 2-3 साल से आप नोटिस कर रहे होंगे, जब तक बड़ी घटना में अपने आप कुछ नहीं करते। मैं आपको याद दिला दूं उन्नाव कांड में क्या हुआ, जब रिपोर्ट लिखाई पीड़िता ने तो उसके पिता को बुलाया गया और दुख है सत्या। दूसरा बड़ा कांड हाथरस में तो ले जाके रात में पेट्रोल डाल के जला ही दिया, माँ बाप को सब बंद कर दिया एक कमरे के अंदर। मेरे सामने है जो दौड़ दौड़ के पुलिस से लड़ रहे थे, और फिर हाईकोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया तब जाकर सीबीआई जांच ऑर्डर हुई। और बारे में कहा जाता है देखा कि मारने वाले टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं और आंसू पूछने वाला जेल के अंदर। उस गाड़ी थी लखीमपुर के पहले कैसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं 144 में, और फिर आप लातूर को लखनऊ छोड़ सकते थे, आपने पीएससी जेल बना दी, उसे रख लिया, कुछ नहीं किया। मैं सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि हमारी 5 प्रतिज्ञाओं के लिए 10 तारीख को वाराणसी में आदरणीय प्रियंका गांधी जी की रैली है। हमारे सभी साथी शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, गंगा पार, जमुना पार, विजय प्रकाश जी, ये हमारे यहाँ के इंचार्ज रवेन जी, संजय जी, सब एक ही मांग करते हैं कि सब लोग पहुंचे। अब बहुत बड़ी महंगाई, इसके खिलाफ वार होना चाहिए। सर, इन हत्याओं पे क्या कहेंगे? पूरी तरह मोदी और अमित शाह का फेलियर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने तो कहा कि मैंने नोटबंदी इसीलिए की है कि आतंकवादी गतिविधियां रुक जाएं। नोटबंदी तो हो गई, कई साल बीत गए, फिर ये आतंकवादी गतिविधियां क्यों? इतिहास क्यों अपने को दोहरा रहा है? जब जब भाजपा शासन के केंद्र बिंदु में होती है तो पंडितों को भागना पड़ता है कश्मीर। जब जब भाजपा केंद्र में 1990 में थी, समर्थन से सरकार चल रही थी, तब पंडितों का जबरदस्त पलायन हुआ। इन्होंने वादा किया था उनकी वापसी होगी, मैं जानना चाहता हूँ 370 हटाने के बाद कितनों की वापसी हुई, और ये 5 दिन में जो 7 हत्याएं हुई हैं, क्या अमित शाह जी सीधे इसके लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि अब तो केंद्र शासित है कश्मीर, वहाँ कोई विधानसभा नहीं है, पूरी तरह केंद्र शासित है दिल्ली की तरह, तो जिम्मेदारी लेगा कोई नैतिक रूप से? और नैतिक रूप से लेकर कोई कदम उठाएगा? कांग्रेस पार्टी वादा करती है कि आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए, आतंकवादी से लड़ने के लिए सरकार जो भी सख्त कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे, वैधानिक कदम। ठीक सर।